Hello, students. Welcome all of you in your channel Biology Puskar. And I'm Pankaj Kumar Sinha. In this video lecture, we will discuss about protein synthesis. So let's start the topic. Protein synthesis. तो जब प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं मीन्स ट्रांसलेशन uh, तो ट्रांसलेशन इसके अंदर कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म होता है उसके बारे में वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रांसलेशन होता क्या है ठीक है इससे पहले जब ट्रांसलेशन होने का जो प्रोसेस है उससे पहले कुछ और प्रोसेस परफॉर्म होता है कि जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए अमीनो एसिड का क्या होना है एक्टिवेशन होना है ठीक है उसके बाद ट्रांसफ़र आर एने का क्या होना है चार्जिंग होना है ठीक है तो अब ट्रांसफ़र आर एने का चार्जिंग क्या होता है अमीनो एसिड का एक्टिवेशन क्या होता है तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद का जो प्रोसेस है वो है आपका ट्रांसलेशन ठीक है तो अब ट्रांसलेशन के ऊपर जब बात करेंगे तो उस समय उसको क्लियर करेंगे पहले यहाँ पर सबसे फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ओके तो फर्स्ट यहां पे डिस्कस कर रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ओके तो अब यहां पर बात क्या करना है कि अमीनो एसिड का एक्टिवेशन कैसे हो रहा है ठीक है तो अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होने के लिए क्या चाहिए कि अमीनो एसिड रिएक्ट करना चाहिए विथ ए टी पी मॉलिक्यूल ओके तो वेन और अमीनो एसिड अमीनो एसिड रिएक्ट्स विथ विथ ATP molecule ATP molecule and get activated. एक्टिवेटेड ओके okay, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जब अमीनो एसिड ए के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा एक्टिवेटेड हो जाएगा आगे के प्रोसेस में जाने के लिए ठीक है तो इसको एक रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेंगे ठीक है सपोज ईयर अमीनो एसिड अमीनो एसिड प्लस ए टी पी ओके okay. यहां पर कुछ एंजाइम्स का भी रिक्वायरमेंट होगा ठीक है कुछ एंजाइम्स का भी रिक्वायरमेंट होगा ठीक है तो इसमें अमीनो एसाइल सिंथेटेज अमीनो एसाइल सिंथेटेज ओके okay? तो अमीनो एसाइल सिंथेटेज क्या है एक एंजाइम है ठीक है और यहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट हो रहा है किसके लिए अमीनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए ओके okay? तो ये बात क्लियर हो गया अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अमीनो एसाइल अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आर एन सिंथेटेज लिख लीजिए ट्रांसफ़र आर सिंथेटिज, ओके okay? तो ये बात हो गया अब ये रिएक्शन करके क्या बना देगा ठीक है तो अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल, आईल ए एम पी एम पी कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स ठीक है प्लस पी पी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से क्या होगा रिलीज हो जाएगा ठीक है तो ये हम लोगों ने क्या बात किया एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड अमीनो एसिड क्या हो रहा है एक्टिवेट हो रहा है ओके सेकंड इंफॉर्मेशन में जब हम लोग सेकंड स्टेप में बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड ठीक है तो सॉरी चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आर ठीक है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आर एन ए ठीक है तो चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आर एन ए मीन्स वो इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट uh, है बट एकदम से माइंड में आप लोगों को रखना है क्या ट्रांसफर आर एन एलरेडी हम लोगों ने देख के रखा है ठीक है इस तरह का स्ट्रक्चर था ठीक है इस तरह का स्ट्रक्चर था इसके बाद यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर था ये ट्रांसफर आर एन ए तो यहाँ पर ट्रांसफ़र आर एन ए जो पहले हम लोग देख रहे थे वहाँ पर क्या था सी सी ए इस तरह का सीक्वेंस था ठीक है थ्री प्राइम पोजिशन पर अब यहाँ पर कोई अमीनो एसिड अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है ठीक है मीन्स यहाँ पर क्या होगा अमीनो एसिड आकर जुड़ेगा तब जाकर ये ट्रांसफ़र आर एन ए क्या होगा चार्ज होगा ठीक है तो सपोज यहाँ पर कोई क्या करते हैं अमीनो एसिड लाकर यहाँ पर क्या करते हैं अटैच करते हैं ये क्या हो गया ये अमीनो एसिड हो गया ठीक है अमीनो एसिड हो गया तो ये जो अमीनो एसिड यहाँ से जा आकर अटैच किया ठीक है सी सी ए पोजिशन से तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड बोल रहे हैं ठीक है और इस अमीनो एसिड का ही रिक्वायरमेंट है प्रोटीन के सिंथेसिस में ठीक है तो ये बात क्लियर है ठीक है ये था आपका फाइव प्राइम और ये था आपका थ्री प्राइम ठीक है ये क्लियर है अब इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे और एलेबोरेट करते हैं ठीक है ठीक है तो अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि यह जो चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आर एन ए हो रहा है वो चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आर एन ए में क्या क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले अमीनो एसाइल एंजाइम अमीनो एसाइल ए एम पी कॉम्प्लेक्स बन चुका है ठीक है तो उसको यहां पर ले लेंगे अमीनो एसाइल ए एम पी कॉम्प्लेक्स ये बना हुआ है मीन्स एक्टिवेटेड एंजाइम है ठीक है एंजाइम कैसा है सॉरी अमीनो एसिड कैसा है एक्टिवेटेड है ठीक है ये कॉम्प्लेक्स ले लिया प्लस इसके साथ और क्या ऐड कर देंगे तो इसके साथ ट्रांसफर आर एन कर देंगे ठीक है इसके साथ ये ट्रांसफ़र आर एन कर दिया ठीक है अब इसके बाद ये बना क्या देगा ठीक है तो यहाँ पर क्या बनाएगा ये आपका बना देगा अमीनो एसिड ठीक है uh, अमीनो एसिड ठीक है अमीनो ऐसिड नहीं इसको अमीनो एसाइल लिखते हैं एसाइल ट्रांसफर आरएनए ठीक है अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए ठीक है तो अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए क्या बना देगा कॉम्प्लेक्स बना देगा ठीक है कॉम्प्लेक्स बना दिया तो अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरने कॉम्प्लेक्स क्या हो गया तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड आकर क्या होता है अटैच होता है ठीक है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आर बोलते हैं राइट अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है वो क्या यहाँ से क्या होगा रिलीज हो जाएगा ठीक है क्या क्या रिलीज हो जाएगा भाई तो यहाँ से आपका ए रिलीज हो जाएगा ए तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हो रहा था वो कैसे हुआ उसके बाद आ, चार्जिंग ऑफ और ट्रांसफ़र आर ने तो ट्रांसफ़र आर ने कैसे चार्ज हुआ वहाँ पर अमीनो एसिड कैसे आकर अटैच किया ठीक है और उसके साथ साथ एम रिलीज़ हो गया ओके तो ये बात ऑलरेडी हम लोगों ने देखा बट अब आगे हम लोग इसके आगे बात करेंगे क्या बात करेंगे कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ठीक है तो फर्स्ट स्टेप इसमें कौन सा था ठीक है तो इसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा था आपका तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ठीक है ये फर्स्ट स्टेप था सेकेंड स्टेप में क्या देखा हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर ठीक है? अब इसके बाद थर्ड स्टेप में जब हम लोग बात कर रहे हैं कि थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा ठीक है तो थर्ड स्टेप में क्या आएगा आपका ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे ठीक है दो स्टेप ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसलेशन ठीक है तो ट्रांसलेशन में जैसे ही बात करते हैं तो ट्रांसलेशन के अंदर तीन स्टेप्स में ये क्या होता है कंप्लीट होता है ठीक है ट्रांसलेशन बेसिकली थ्री स्टेप्स में कंप्लीट होता है कौन कौन सा थ्री स्टेप तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इनिशिएशन ठीक है सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा इलोंगेशन इलोंगेशन थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा टर्मिनेशन टर्मिनेशन ठीक है तो ये थ्री स्टेप्स में ये क्या होगा कंप्लीट होगा पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस ठीक है तो अब हम लोग ट्रांसलेशन प्रोसेस को यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे ओके ठीक है ठीक है तो अब हम लोग यहां पर क्या बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ठीक है तो ट्रांसलेशन के अंदर ये आपका क्या आ जाएगा इनिशिएशन ठीक है तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या था इनिशिएशन ठीक है तो इनिशिएशन ठीक है तो इनिशिएशन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि इनिशिएशन इनिशिएशन के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट कौन कौन सा फैक्टर्स रिक्वायर्ड होगा ठीक है तो उसके बारे में यहां पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले 30S थर्टी एस 30S राइबोसोमल सब यूनिट सब यूनिट ठीक है थर्टी एस राइबोजोमल सब यूनिट ओके इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका फिफ्टी एस राइबोजोमल सब यूनिट राइबो जोमल सब यूनिट ओके इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं थर्टी एस फिफ्टी एस हो गया ठीक है नेक्स्ट ट्रांसफर आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए ठीक है ट्रांसफर आर एन में इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं चार्ज ट्रांसफर आर एन ठीक है चार्ज ट्रांसफर आर एन ठीक है ये बात हो गया क्लियर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में इनिशिएशन फैक्टर के बारे में ठीक है तो इनिशिएशन फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर तो इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का पे पर में ठीक है ओके okay? तो प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर इन प्रोकैरियोट्स इन प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स ठीक है तो प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो इनिशिएशन फैक्टर में यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन सा ठीक है तो इनिशिएशन फैक्टर में कौन कौन सा इनिशिएशन फैक्टर होगा तो आई एफ वन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आई एफ टू नेक्स्ट आई एफ थ्री ठीक है तो ये हो गया आपका इनिशिएशन फैक्टर वन इनिशिएशन फैक्टर टू एंड इनिशिएशन फैक्टर थ्री ठीक है ओके इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड uh, होगा मैसेंजर आरएनए ठीक है मैसेंजर आरएनए ठीक है तो जब मैसेंजर आरएनए के बारे में बात करते हैं कि मैसेंजर आरएनए ठीक है तो मैसेंजर आरएनए सपोज यहाँ पर यह क्या है मैसेंजर आ रहे हैं ठीक है तो इसको एक लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट ऐसा नहीं होगा कि ये केवल एक लाइन के फॉर्म में होगा ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा कुछ सीक्वेंस भी प्रेजेंट होंगे ठीक है नाइट्रोजन बेसिस के कुछ क्या होंगे सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं ये जो आपका मैसेंजर uh, आरएनए है, ठीक है तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में क्या सीक्वेंस प्रेजेंट होगा भाई तो ये है सपोज़ मैसेंजर आरएनए ए जी जी ए जी जी यू ठीक है ये बात क्लियर हो गया इसके बाद ए यू जी ठीक है तो इस तरह का यहां पर क्या होगा सीक्वेंस प्रेजेंट होगा ठीक है यह क्या है आपका आ हैं. है, ठीक है? जस्ट इसको एक लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है यह भी क्या है आ ही है, ठीक है? जहाँ पर इस लाइन के जगह पर यहां पर कुछ पर्टिकुलर कुछ सीक्वेंस ऐड किया है ठीक है इस सीक्वेंस को यहां पर बोला जाता है साइन डालगार्नो सीक्वेंस ठीक है साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस ठीक है ये जो साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस है वो एक्चुअल में है क्या ठीक है तो जब इनिशिएशन की बात करते हैं तो वहां पर थर्टी एस राइबोजोमल सब यूनिट सबसे पहले आकर क्या होता है अटैच करता है ठीक है तो थर्टी एस जब आकर अटैच करता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है तो ये जो सीक्वेंस है यहीं से आकर क्या होगा थर्टी एस राइबोजोमल सब यूनिट आकर अटैच करेगा और इसको आ, इसको सिक्सटीन एस राइबोजोमल आर भी बोला जाता है ठीक है ये क्या है सिक्सटीन एस और सिक्सटीन एस क्या है थर्टी एस राइबोजोमल सब यूनिट का भी स्मॉलर कंपोनेंट है ठीक है तो यहाँ पर आ, इसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि भाई ये क्या है साइन डाल सीक्वेंस क्या है तो सिक्सटीन एस राइबो सब यूनिट है ठीक है उसी के सेम कॉम्प्लीमेंट मतलब आ, सेम यहाँ पर क्या होता है सीक्वेंस प्रेजेंट होता है ठीक है राइबो जोम ठीक है सिक्सटीन एस में जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा वो यहाँ पर भी वही सीक्वेंस प्रेजेंट होगा ठीक है ये बात क्लियर हो गया इसको एस डी भी बोला जाता है शॉर्ट में ठीक है एस डी सीक्वेंस ठीक है यह बात क्लियर हो गया ठीक है अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र आर एन और राइबोसोम ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा इनिशिएशन होगा तो इनिशिएशन के अंदर क्या होगा कि आपका ट्रांसफ़र आर एन और राइबोसोम सबसे पहले राइबोसोम आकर अटैच करेगा ठीक है उसके साथ साथ फिर ट्रांसफर आर एन आकर अटैच करेगा ठीक है तो ट्रांसफ़र आर में चार्ज ट्रांसफ़र आर ए यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया तो चार्ज ट्रांसफ़र आरने में क्या तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एफ मेथियोनिन ट्रांसफर आर ठीक है फॉर्माइल मेथियोनिन ट्रांसफर आर ठीक है आर ठीक है तो ये बात क्लियर हो गया तो फॉर्माइल मेथियोनिन ट्रांसफर आर तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए यू जी और ए यू जी किसको कोड करता है ठीक है तो ये कि, किसको कोड करता है मेथियोनिन को कोड करता है ठीक है और किसको कोड करता है भाई तो स्टार्ट कोड ऑन है ठीक है स्टार्ट कोड ऑन है मींस सबसे पहले जो ट्रांसफ़र आर एन ए आकर अटैच करेगा वो कौन से साइड से करेगा तो ए यू जी जहाँ पर मैसेंजर आर एन ए में देखेगा वहीं पर ट्रांसफर आर एन ए सबसे पहले आकर क्या होगा अटैच करेगा ठीक है तो इसको हम लोग देखते हैं फिर ये बात हो गया ठीक है ये जो मैसेंजर आ रहे हैं वो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि ये आपका फाइव प्राइम हो जाएगा और ये थ्री प्राइम हो जाएगा ठीक है ये भी सेम मैसेंजर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये फाइव प्राइम हो गया और ये क्या हो गया थ्री प्राइम हो गया ओके तो इस तरह का ये सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है तो अब यहाँ पर देखते हैं फिर इनिशिएशन कैसे होता है ठीक है ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं कि इनिशिएशन जो प्रोसेस होता है वो कैसे परफॉर्म होता है ठीक है तो इनिशिएशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि मैसेंजर आर लेते हैं ठीक है ये ये मैसेंजर आर ले लिया ठीक है ये है आपका फाइव प्राइम और ये हो गया थ्री प्राइम ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि सबसे पहले क्या आएगा ट्रांसफ़र आ रहे ठीक है सॉरी राइबो आएगा थर्टी एस थर्टी एस प्लस इनिशिएशन फैक्टर वन एंड इनिशिएशन फैक्टर थ्री ठीक है ये आकर यहाँ पर क्या होगा बाइंड करेगा ठीक है तो यहाँ पर एक साइड था आपका क्या A, U, G, ठीक है एक साइड और यहाँ पर बना देते हैं ठीक है सपोज एक और ये साइट है ठीक है ये एक और साइट है ठीक है और ये एक साइट है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है थ्री डिफरेंट साइट प्रजेंट होता है डिफरेंट साइट मीन्स निक्लोटाइड का सिक्वेंस क्या होगा अलग अलग होगा ठीक है तो इस साइट को बोला जाता है यहाँ पर ई साइट ठीक है क्या बोला जाता है साइट e इसको बोला जाता है पी साइट और इसको बोला जाता है ए साइट ठीक है तो ई फॉर एग्जिट साइट ई फॉर एग्जिट एग्जिट साइट ठीक है पी फॉर पेप्टीडाइल साइट ठीक है एंड ए फॉर एक्सेप्टर साइट इसको एमिनो एसाइल आइल एमिनो एक्सेप्टर साइट बोलते हैं ठीक है तो ये बात क्लियर हो गया अब यहां से थर्टी एस इनिशिएशन फैक्टर वन एंड इनिशिएशन फैक्टर थ्री ठीक है तो यहां पर क्या होगा सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में थर्टी आकर बाइंड कर जाएगा ठीक है थर्टी आकर बाइंड कर गया ठीक है तो ये क्या हो गया आपका ये क्या है थर्टी है ओके अब इसके बाद यहां पर आगे हम लोग बात करेंगे ठीक है तो इसके अंदर क्या क्या इनिशिएशन में सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या क्या यूज हुआ तो मैसेंजर आर एन है थर्टी एस ठीक है इसके साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मैसेंजर आर एन है प्लस थर्टी एस प्लस इनिशिएशन फैक्टर वन एंड इनिशिएशन फैक्टर थ्री ठीक है तो ये यह आकर यहाँ पर क्या हुआ बाइंड कर गया ओके okay. इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जब हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा भाई ठीक है तो अब यहां पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेज बनाने के लिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं ठीक है ठीक है अब यहां पर ये क्या है आपका थर्टी ईर्स है ठीक है यह है थर्टी ईर्स जो पहले बाइंड कर चुका है ठीक है अब इस पर यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में क्या आएगा ठीक है तो ट्रांसफर आर आएगा ठीक है क्या आएगा ट्रांसफर आर एन ठीक है और क्या आएगा इसको ट्रांसफर आर ए को फॉर्मल मिथाइन एफ मिथ्योन ट्रांसफर आर ए लिखेंगे ठीक है फॉर्माइल मिथ्योन ट्रांसफर आर एन ए यहाँ पर क्या हुआ आकर लगा ठीक है इसके साथ साथ और क्या यहाँ पर ऐड होगा ठीक है तो आई एफ टू यहाँ पे आई एफ वन एंड आई एफ थ्री लगा है ठीक है तो यहाँ पे आई एफ टू और इसके साथ और क्या लग जाएगा जी टी पी एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी ठीक है तो ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी लगेगा ओके अब यहाँ पर ये यह जो पी साइड था ठीक है तो पी साइड पर क्या है पी साइड पर क्या है भाई ठीक है तो पी साइड पर है आपका क्या ए यू जी है ठीक है तो ए यू जी अब यहाँ पर ये यह ट्रांसफ़र आर एन ए आकर लगेगा मीन्स इस तरह का ठीक है ठीक है तो ए यू जी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा एंटी कोडोन यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्या प्रेजेंट होगा भाई ठीक है तो ए यू जी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा ट्रांसफ़र आर ए पर तो एडेनिन के अगेंस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा यूरोसिल यूरोल के अगेंस्ट एडिनिन ठीक है एंड जी के अगेंस्ट ठीक है साइटोसिन ठीक है तो यहाँ पर यह प्रेजेंट होगा और बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्माइल मिथियोनिन ट्रांसफ़र आर ए लिखा जा रहा है उसका मतलब क्या है ठीक है तो यहाँ पर सी सी ए तो रहेगा ही इसके साथ साथ और क्या रहेगा तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड रहेगा ठीक है एक अमीनो एसिड है उस अमीनो एसिड का क्या नाम है तो उस अमीनो एसिड का नाम है मेथियोनिन ठीक है और इसको शॉर्ट फॉर्म में मेथियोनिन बोलते हैं ठीक है तो ये यह यहाँ पे प्रेजेंट होगा ठीक है अब यहां पर बात कर रहे हैं कि ये तो हो गया ठीक है तो इस स्टेज को ठीक है इस स्टेज को अब हम लोग क्या बोल देंगे इस स्टेज को क्या बोल देंगे थर्टी एस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ठीक है तो ये क्या बन गया है आपका थर्टी एस इनिशियन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ठीक है कॉम्प्लेक्स ठीक है अब यहां पर एक बात और माइंड में रखिएगा ठीक है कि यहां पर आई एफ टू तो लगता है लेकिन इसके साथ साथ यहां पर क्या होता है कि आई एफ थ्री रिलीज हो जाता है ठीक है आई एफ थ्री क्या होगा रिलीज हो जाएगा ठीक है यह बात हो गया आई एफ थ्री पहले लगा था तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया थर्टी एस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया ठीक है ए यू जी पे आके लगा है ठीक है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगा यू ए सी ठीक है तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं यू ए सी ठीक है यू ए सी इस तरह का सीक्वेंस यहाँ पर एंटीकोडोन के फॉर्म में यहाँ पर ये आकर लग गया है ठीक है ये ट्रांसफ़र आने लग गया अब इसके बाद ये है मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप ठीक है इनिशिएशन में यह हो गया सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या बना थर्टी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप के लिए थोड़ा सा चेंज करते हैं ठीक है क्या चेंज करते हैं तो अब यहां पर इसको तो अब हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं कि ये जो आपका इनिशिएशन हो रहा था ठीक है तो इनिशिएशन में थर्टी एस कॉम्प्लेक्स बन चुका है अब थर्टी एस कॉम्प्लेक्स के आगे हम लोग बात करेंगे कि थर्टी एस कॉम्प्लेक्स के आगे दूसरा जो कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है वो क्या है ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा मैसेंजर आरण्य ठीक है ये मैसेंजर आरण्य हो गया यहाँ पर और इसके साथ साथ और क्या रहेगा ठीक है जस्ट ये क्या हो गया ये मैसेंजर आरने हो गया ठीक है और यहाँ पर क्या रहेगा ए यू जी ए जी ठीक है मेथियोन पहले से ये बनाया हुआ है इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक और आ, साइट होता है जिसको ई e साइट बोलते हैं ठीक है ई e साइट और यहाँ पर क्या होता है ए साइट होता है राइट right? और यहाँ पर ये आपका क्या लगा हुआ रहता है इस तरह से ये स्मॉलर सब यूनिट थर्टीएस ठीक है तो यहां पर ये यह क्या लगा हुआ रहेगा 30s कॉम्प्लेक्स बनाएगा ठीक है 30s कॉम्प्लेक्स बना दिया था ठीक है इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ई e साइट है ए साइट है एंड स्टार्ट कोडोन है ठीक है मिथियोनिन है ठीक है इसके बाद जब यहाँ पर आगे हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर अब क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे ऐड क्या होगा ठीक है तो यहाँ पे ऐड होगा फिफ्टी एस फिफ्टी एस ठीक है क्या ऐड होगा फिफ्टी एस ऐड होगा ठीक है इसके बाद यहाँ पे एक बात और क्या जानना है कि जब फिफ्टी ऐड एड होता है तो इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है आई एफ वन आई एफ वन एंड आई एफ टू आई एफ टू जी डी पी जी डी पी ये क्या होता है रिलीज़ हो जाता है ठीक है तो ये क्या होगा रिलीज होगा अब यहाँ पर 50S राइबोसोम आकर लगेगा ठीक है तो 50S राइबोसोम लगा देते हैं ठीक है लार्जर सब यूनिट ये लार्जर सब यूनिट लग गया ठीक है यहाँ पे और क्या था ये था आपका क्या एक साइट क्या था ई साइट ठीक है एक और क्या साइट था ए साइट था ठीक है ये ए साइट था इसके बाद यह था आपका क्या पी साइट ठीक है अब इस पी साइट पर यहां पे क्या लगा हुआ रहता है तो पता है आपको ठीक है यहां पे क्या लगा हुआ रहेगा ट्रांसफर आ रहे हैं ठीक है तो ये ट्रांसफर आर एन ए लगा हुआ है अब यहाँ पर जो ट्रांसफर आर ए लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है फॉर्माइल में थ्योरियन ट्रांसफर आर एन ए ठीक है तो फॉर्माइल में थ्योरियन ट्रांसफर आरने के लिए क्या हो जाएगा सी सी ए और इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ रहेगा अमीनो एसिड लगा हुआ रहेगा ठीक है यहाँ पे क्या लगा हुआ रहेगा अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड को यहाँ पर कौन कोड कर रहा है ए यू जी ठीक है एक बात ये दूसरी बात यहाँ पर और ये कर लेंगे कि ये जो है आपका ए यू जी उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या रहेगा ठीक है तो यू ए यू ए सी ठीक है क्या रहेगा यू ए सी रहेगा ठीक है और यहाँ पर ये क्या रहेगा ये रहेगा मेथियोन ठीक है अब ये क्या थर्टी एस लग चुका है और फिफ्टी एस लग चुका है ठीक है ये थर्टी एस एंड फिफ्टी एस दोनों मिला करके क्या बना दिया तो अब ये बना दिया यहां पर इसको आप लिख सकते हैं क्या सेवेंटी एस कॉम्प्लेक्स सेवेंटी एस कॉम्प्लेक्स ठीक है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ठीक है सेवेंटी एस इनिशिएशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ठीक है तो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया टाइप ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया ओके तो इसमें क्या लगा थर्टी एस स्मॉलर सब यूनिट एंड फिफ्टी एस लार्जर सब यूनिट ठीक है आई एफ वन एंड आई एफ टू जी डी पी क्या हुआ रिलीज हो गया ओके और इस तरह से ये आपका क्या हो गया इनिशिएशन कंप्लीट हो गया ठीक है तो इनिशिएशन में मैंने ये बोला था कि इनिशिएशन में क्या होता है कुछ फैक्टर्स आता है और मैसेंजर आने से आकर जुड़ जाता है ठीक है तो ये रिएक्शन स्टार्ट होने का पूरा कॉम्प्लेक्स अब बन चुका है ठीक है अब इसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं सेकेंड जो स्टेज था वो था आपका क्या इलॉन्गेशन ठीक है तो इलोंगेशन के ऊपर अब हम लोग बात करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या इलॉन्गेशन ओके okay, तो अब हम लोग यहां पर क्या बात करने वाले हैं ओके okay, तो अब हम लोग यहां पर क्या बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के अंदर आपका जो इलोंगेशन प्रोसेस है उस इलांगन प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे ठीक है कि इलांगेशन प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है ठीक है उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है ठीक है तो उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं ठीक है इलोंगेशन ओके okay? तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेवेंटी एस इनिशियसन कॉम्प्लेक्स बन चुका था ठीक है अब उस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर साइड में मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ठीक है तो ये इनिशिएसन कॉम्प्लेक्स बन चुका है ऑलरेडी ठीक है क्या आएगा मैसेंजर आरने आएगा ठीक है तो मैसेंजर आरने के साथ साथ यहाँ पर क्या रहेगा थर्टी एस ठीक है इसके साथ फिफ्टी एस ओके इसके बाद ये जो मैसेंजर आ रहे हैं यहाँ पर क्या रहता है कुछ बेसिस रहता है ट्रिपलेट कोडोन रहता है ठीक है तो इस ट्रिपलेट कोडोन को यहाँ पर लिख लेंगे कि ट्रिपलेट कोडोन कौन कौन सा है भाई ठीक है तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ए यू जी रहेगा ए यू जी ठीक है स्टार्ट कोडोन इनिशिएशन कोडोन और ये मेथियोन के लिए कोड करता है ठीक है ये बात क्लियर हो गया इसके बाद इसके साथ साथ और भी यहाँ पे कुछ कोडोन प्रेजेंट होगा ठीक है जैसे सी सी जी ठीक है यू ए सी ठीक है जी ए यू ठीक है इसी तरह से इसको थोड़ा और देख लेते हैं नेक्स्ट सी सी जी ठीक है यू ए सी यू ए सी ठीक है जी ए यू इस तरह का कुछ कोडोन प्रेजेंट होगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर एक कोडोन और यहाँ पे ऐड कर देते हैं यू ए A, A. ठीक है तो इस तरह का क्या है ये कोड ऑन है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर <coughs> सॉरी तो यहां पे हम लोगों ने क्या बात किया था कि ये आपका क्या होगा पी साइट होगा ठीक है ये क्या होगा पी साइट होगा ठीक है तो इसको इस तरह से ये कर लेते हैं ठीक है ठीक है ये क्या होगा ए साइट होगा ठीक है इसके बाद यहां पे क्या होगा ई साइट होगा ठीक है और ये आपका फाइव प्राइम और ये थ्री प्राइम ठीक है तो इस तरह का ये सीक्वेंस प्रेजेंट है अब ये बात तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या है ये सीक्वेंस है और ये सेवेंटी एस इनिशिएसन कॉम्प्लेक्स बन चुका है ठीक है अब क्या होना है इलॉन्गेशन होना है ठीक है तो इलॉन्गेशन होने के लिए यहाँ पे पी साइड पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आकर यहाँ पर क्या लगता है ठीक है तो इस तरह से एक इसको हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं ये ट्रांसफर आर ए है ठीक है ये ट्रांसफर आर ए है ठीक है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा यू ए सी यू ए सी ठीक है यू ए सी यहाँ से ये क्या हो गया लग गया एंटीकोडोन के फॉर्म में और यहाँ पर क्या बोला था कि क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा एफ मिथियोनिन प्रेजेंट होगा ठीक है ये एफ मेथियोनिन प्रेजेंट होगा अब इसके बाद ए साइट को बोला गया था एक्सेप्टर साइट ठीक है और अमीनो एसाइल साइट ठीक है तो अब इस साइट को यहाँ पर फिर क्या करेंगे अनदर ट्रांसफ़र आर ठीक है तो यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे दूसरा ट्रांसफर आर एन यहाँ से आकर लगेगा ठीक है तो दूसरा ट्रांसफर आर आकर लग रहा है भाई ठीक है इस तरह से ये दूसरा ट्रांसफर आर नहीं आकर लग गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या होगा जी जी सी ठीक है इसके बाद यहाँ पर ये यह जो जी जी सी है ठीक है ये भी किसी अमीनो एसिड को कोड करेगा ठीक है तो यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये यह क्या रहेगा प्रोलिन रहेगा ठीक है ये बात क्लियर हो गया ये प्रोलीन रहेगा ठीक है तो इसको हम लोग स्टेप बाइज क्लियर करते हैं ठीक है तो ये फर्स्ट स्टेप में इस तरह का प्रोसेस हुआ सबसे पहले ठीक है इनिशिएशन होने के बाद अब यहां पर ट्रांसफर आर ए आकर लग चुका है ठीक है तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा तो नेक्स्ट स्टेज में इसको यहां पे फिर उसी तरह से ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है तो ये हो जाएगा आपका क्या ए यू जी ठीक है इसके बाद ये आपका हो जाएगा सी सी जी ठीक है ये आपका कौन सा साइट है पी साइट है ये ए साइट है और ये ई e साइट है ठीक है इसके बाद यहाँ पे इस तरह का ये लगा दिया हम लोगों ने ठीक है ये लगा दिया ठीक है अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में सेकेंड स्टेज में जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेज में जब बात करते हैं तो क्या होता है ठीक है यहाँ पे ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक है तो ये जो आपका ट्रांसफ़र आ रहे था ठीक है ये ट्रांसफ़र आ रहे है यहाँ पे ट्रांसफ़र आ रहे हैं ठीक है, है? यहाँ पे यहाँ पे ट्रांसफर आ रहे हैं ठीक है अब इसके साथ ये क्या लगा हुआ है यू ए सी लगा हुआ है ठीक है एज इट इज़ यहाँ पे वही ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है जी जी सी लगा हुआ है ठीक है ये बात क्लियर हो गया अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में सेकेंड स्टेज में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे तो प्रोलिन ऑलरेडी था ठीक है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ये प्रोलिन रह जाएगा ठीक है और इसका जो मिथियोनिन है ठीक है अब वो मिथियोनिन यहाँ आकर लग गया मिथियोनिन यहाँ आकर अटैच हो गया ठीक है ठीक है अब इसके बाद थर्ड स्टेज में यहीं पे हम लोग बात करेंगे थर्ड स्टेज में ठीक है ठीक है तो थर्ड स्टेज में देखते हैं क्या हो रहा है ठीक है तो ये सपोज हेयर ये आपका ई साइट हो गया ठीक है ये पी साइट हो गया और ये क्या हो गया ए साइट हो गया ठीक है इस तरह से ठीक है ये बात क्लियर हो गया अब इसके बाद यहाँ पर यह मान लेते हैं ये थर्ड स्टेज है ठीक है तो थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है ठीक है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है शिफ्ट कर रहा है ठीक है इस डायरेक्शन में ठीक है इस डायरेक्शन में ये क्या होगा शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर ई e साइड में अब क्या आ गया ए यू जी आ गया ए यू जी आ गया ठीक है इसके बाद यहाँ पर ये क्या आ गया सी सी जी आ गया ठीक है तो जब ये ए यू जी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री यू ए सी ये ट्रांसफ़र आ रहे ने यहाँ पर क्या हो गया शिफ्ट हो गया ठीक है ये ट्रांसफ़र रहे ने आ गया ओके इसके बाद ये क्लियर हो गया ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं ठीक है तो ये आपका क्या हो गया जी जी सी ठीक है इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया और ये आपका पूरा शिफ्ट हुआ है ठीक है कॉम्प्लेक्स ये आपका क्या हो गया ट्रांसफर आर एन ए हो गया ठीक है इस पर क्या लगा हुआ है प्रोलिन लगा हुआ है ठीक है और क्या लगा हुआ है मिथियोनिन लगा हुआ है ठीक है ये मिथ्योनिन लगा हुआ है और प्रोडिन लगा हुआ है ये वाला पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ गया ठीक है अब ए साइड क्या हो गया है वैकेंट हो गया है ठीक है तो ए साइड वैकेंट हो गया है तो अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स मैंने क्या बोला कि इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो अब ये जो हो जाएगा ये वाला जो कोडोन है ठीक है ये कोडोन क्या हो जाएगा ए साइड की तरह ये काम करेगा ठीक है तो इस कोडोन को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ठीक है तो सपोज इसको यू ए सी इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ठीक है यू ठीक है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं यू सी यू ठीक है ये कोई कोडोन है ठीक है तो अब यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं यू सी यू ठीक है ये आ गया कहाँ पर आपका एस आई टी ए हो गया अब अब ये एस आइट हो गया तो यहाँ पर फिर क्या होगा नेक्स्ट ट्रांसफर आर एन यहाँ पर आकर बाइंड करेगा ठीक है नेक्स्ट ट्रांसफ़र आर ए आकर बाइंड करेगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या बन जाएगा क्या रहेगा एंटी कोडॉन ठीक है तो पता है आपको यू के अपोजिट क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है सी जी हो जाएगा यू के अपोजिट क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और ये कोड करेगा इस तरह का जो कोडॉन होगा वो किसको कोड करेगा तो सरुन को ठीक है तो ये सरुनिन हो गया ठीक है तो ये हो गया थर्ड स्टेज जो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे थर्ड स्टेज है ठीक है नेक्स्ट स्टेज में जब हम लोग अब बात करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट स्टेज में अब देखेंगे कि क्या हो रहा है ठीक है तो नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पर फिर से क्या करते हैं एक ट्रांसफर आर एन ए बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट स्टेज में फिर यहाँ पर एक ट्रांसफ़र आर एन ए बना रहे हैं ठीक है अब इसमें क्या हो जाएगा फिर ई e साइट हो जाएगा फिर फिर क्या हो जाएगा पी साइट हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा ए साइट हो जाएगा ठीक है इसको इस तरह से यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं ठीक है यह है अब यहाँ पर क्या शिफ्टिंग क्या हो रहा है ठीक है तो इसको ध्यान से समझिएगा कि अब क्या हो रहा है ठीक है तो ई e साइड जो था वो एग्जिट साइड था तो एग्जिट साइड से यहाँ से अब ये क्या होगा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या होगा बाहर चला जाएगा ठीक है बाहर चला गया अब पी साइड वाला जो प्रोसेस है वो फिर से यहाँ पर क्या होगा रिपीट होगा ठीक है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो पी साइड पर क्या था आपका सी सी जी था ठीक है तो अब ये सी सी जी कहाँ आ जाएगा सी e सी जी आ जाएगा ई साइड पर ठीक है ये वाला सी सी जी कहाँ आ गया ई e साइड पे आ गया ओके इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या था जी जी सी था ठीक है ये आ गया यहाँ पे क्या था ये ट्रांसफर आ ए था ठीक है ये ट्रांसफर आ एन था, तो ट्रांसफर आ ए का जो प्रोलिन और मेथियोन था ठीक है अब वो प्रोलिन और मेथियोन ये आ जाएगा आ, कहां पे आ जाएगा तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं ठीक है तो इधर फिर शिफ्ट करेंगे तो यहां पर क्या था यू सी यू था ठीक है तो यू सी यू था तो यू सी यू पे क्या हो गया ठीक है तो यू सी यू पे क्या हो गया अब भाई ठीक है तो यहां पर अब ये यू सी यू पे क्या था इसको अभी बाद में क्लियर करते हैं ठीक है कि ई साइड पे फिर क्या होगा ठीक है पहले यू सी यू है ये वाला सेगमेंट ठीक है तो यहाँ पे यू सी यू बना लिया इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया ए जी ए हो गया ए जी ए हो गया ये आपका क्या है ट्रांसफर आर एन ए है ठीक है ये ट्रांसफर आर एन ए है अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्रेनियन लगा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्रेनियन लगा हुआ है इससे पहले इसमें क्या था प्रोलिन और मिथ्योन था ठीक है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे क्या प्रोलिन और क्या जोड़ देंगे मिथियोनिन ठीक है तो ये हो गया अब इसके बाद पी साइड पे क्या बचा हुआ है पी साइड पे क्या बचा हुआ है सी सी जी बचा हुआ है ठीक है इसका कॉम्प्लीमेंट्री जी जी सी है ठीक है ये वाला सेगमेंट है ये हो गया क्लियर अब ई साइड क्या हो गया खाली वैकेंट हो गया है ठीक है ई साइड क्या हो गया वैकेंट हो गया है क्लियर अब ई साइड पे फिर क्या होगा ये शिफ्टिंग होगा ये कौन सा स्टेज हो गया तो ये फोर्थ स्टेज में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट कंडीशन में फिर क्या होगा भाई ठीक है तो इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं अब यहाँ पर फिर क्या हो रहा है कि ई साइड पे आपका ये आ गया ठीक है अब यहाँ पर फिर पी साइड पे क्या आ जाएगा यू सी यू आ जाएगा ठीक है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है ए जी ए है और क्या है यहाँ पर ट्रांसफर आर ए और क्या है स्रेनिन है और क्या है प्रोलिन है और क्या है मिथ्योन है ठीक है ये मिथ्योनिन है ठीक है ये बात यही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया ई e साइड पे अब अब क्या शिफ्ट हो जाएगा तो सी सी जी शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा जी जी सी शिफ्ट होगा ठीक है ये आपका ट्रांसफर आर्न हो गया फिर ए साइड क्या हो गया अब शिफ्ट हो गया तो ए साइड पर अब शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा जी ए यू आ जाएगा ठीक है तो अब ये जे ये, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ जा रहा है फिर जी ए यू पे जा रहा है तो जी ए यू पे जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि S I T A हो गया पी साइट ये हो गया ई साइट ये हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है फिर नेक्स्ट कंडीशन में ठीक है नेक्स्ट कंडीशन में फिर यहाँ पर क्या जाएगा? G -A -U आ जाएगा जी ए यू आ जाएगा जी ए यू आ जाएगा ठीक है ये बात क्लियर हो गया ठीक है इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में हम लोग बात करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं इसका फाइव के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या सिक्स स्टेज ठीक है तो ये क्या हो गया सिक्स स्टेज ठीक है तो यहाँ पर सिक्स स्टेज हम लोग मेंशन कर लेते हैं अब ये जो सिक्स स्टेज है यहाँ पर क्या हो रहा है ठीक है तो इसको ध्यान से देखिएगा ई e साइट पी साइट एंड ए साइट ठीक है ए साइट पे क्या है जी ए यू है ठीक है तो जी ए यू है अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा तो सी यू ए हो जाएगा ठीक है ये ट्रांसफर आर ने आकर लग गया है ठीक है अब ये जो ट्रांसफर आर ने आकर लगा है सी यू ए का ठीक है तो जी ए यू अब यहाँ पर ये यह ट्रांसफ़र आर नहीं आकर लगा है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एसपैरेजीन ठीक है तो ये किसको कोड करेगा एस को कोड करेगा ठीक है ये बात क्लियर हो गया ठीक है अब इसके बाद फिर क्या होगा फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है आपका यू सी यू है ठीक है यू सी यू है इसके बाद फिर क्या है यहाँ पर ए जी ए है यहाँ पे क्या लगा हुआ है ये ट्रांसफर आर ने लगा हुआ है क्या क्या यहाँ पर है तो पहले से क्या है सरोनिन है और क्या है प्रोलीन है ठीक है और क्या है मिथ्योन है ठीक है अब क्या होगा फिर सेवेंथ स्टेज में जब हम लोग बात करें ई तो साइड से ये वाला जो आ, ये वाला जो पोर्शन था वो क्या हो गया एग्जिट कर गया ठीक है तो एग्ज़िट करने के बाद अब क्या होगा ठीक है तो ये तो क्लियर हो गया सिक्स स्टेज तक ठीक है अब फिर ये वाला सेगमेंट क्या होगा ये पूरा इधर शिफ्ट होगा और सर सेरिन प्रोलिन मिथ्योनिन फिर यहाँ से आकर अटैच कर जाएगा ठीक है यहाँ से आकर क्या होगा अटैच कर जाएगा ठीक है तो इसको यहीं पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि ये सीरोनिन प्रोलिन एंड मिथ्योनिन ठीक है इसमें क्या हुआ सबसे पहले ये ट्रांसफर आर ने आकर लगा और उसके बाद फिर यहाँ से क्या जुड़ गया ठीक है यहाँ से क्या जुड़ गया फिर नहीं इसको अलग स्टेज में ही क्लियर करते हैं ठीक है तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया है ठीक है फिर से वही स्टेज क्या होगा रिपीट करेगा तो इसको रिपीट करते हैं फिर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ठीक है तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में सेवेंथ स्टेज के बारे में ठीक है ये सेवेंथ स्टेज होगा तो सेवेंथ स्टेज में यहीं पे हम लोग इसको ड्रा कर लेते हैं ठीक है अब ये क्या है आपका ई साइट है ये पी साइट है और ये ए साइट है ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आ रहा है क्या आपका यू सी यू आ रहा है ठीक है नहीं इससे पहले एक और स्टेज स्टेज स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा हमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ठीक है तो यहाँ पे ई साइट e हो गया पी साइट हो गया एंड ए साइट हो गया ठीक है यहाँ पर क्या है जी ए यू है ठीक है ये क्या है सी यू ए है ठीक है यहाँ पर क्या लगा हुआ है <coughs> ट्रांसफ़र आरने लगा हुआ है ठीक है ट्रांसफ़र आरने से क्या लगा हुआ है एस्पैरजिन लगा हुआ है ठीक है यहाँ पर क्या है यू सी यू है ए जी ए है ठीक है अब ये क्या होगा ये वैकेंट हो जाएगा और इसका जितना अमीनो एसिड है वो आकर यहाँ लग जाएगा फिर सेरोनिन ठीक है फिर क्या लगेगा प्रोलिन ठीक है फिर क्या लगेगा मेथियोनिन, ठीक है ये बात क्लियर हो गया अब नेक्स्ट स्टेज में फिर हम लोग ये सेवन स्टेज हो गया सपोज़ यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं एट स्टेज के बारे में ठीक है तो यहाँ पर फिर एक ट्रांसफर आरने ड्रॉ करते हैं अब इस ट्रांसफर आरने पर फिर क्या करते हैं ई साइट पी साइट एंड ए साइड ठीक है ये बात हो गया अब फिर क्या होगा यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ आ जाएगा ठीक है तो यू सी यू ए जी ए और ये क्या हो गया ये ट्रांसफ़र आर हो गया ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपका आ गया आ गया क्या जी ए यू ठीक है सी यू ए ठीक है ये आपका ट्रांसफ़र आर हो गया ठीक है और ट्रांसफ़र आरने से क्या क्या लगा हुआ है एसपैरोजिन लगा हुआ है सरन लगा हुआ है प्रोलिन लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है मिथियोनिन लगा हुआ है ठीक है अब ये फिर ए साइड क्या हो गया वैकेंट हो गया मतलब वैकेंट इन द सेंस अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा इधर की तरफ शिफ्ट करेगा ठीक है तो जी ए यू तक देख चुके हैं अब क्या होगा सी सी जी आएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी सी जी हो जाएगा ठीक है ये हो गया आपका ई e साइड ठीक है ये बात हो गया एट स्टेज तक हम लोगों ने देखा इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फिर फिर क्या होगा तो इसी तरह से ये कंटिन्यू होगा जैसे सी सी जी यहाँ पर हम लोगों ने लगाया ठीक है तो सी सी जी के कॉम्प्लीमेंट्री इसको मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ ठीक है कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड में ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है फिर एट नाइन स्टेज ठीक है तो नाइन स्टेज में क्या हो रहा है भाई तो ये आपका ई e साइट हो गया ये आपका क्या हो गया पी साइट हो गया ये क्या हो गया ए साइट हो गया ठीक है तो ए साइट पर क्या लगा हुआ है सी सी जी लगा हुआ है ठीक है सी सी जी लगा हुआ है इसके कंप्लीमेंट्री क्या बन जाएगा जी जी सी बन जाएगा ये क्या हो जाएगा ट्रांसफर आर हो जाएगा आके लग गया है नया ट्रांसफर आर ठीक है अब ये जो ट्रांसफर आर आकर यहाँ पर लगा है ठीक है सी सी जी का ठीक है तो यहाँ पर ये यह क्या कर रहा है प्रोलिन को कोड कर रहा है ठीक है अभी अभी हम लोगों ने देखा था ये क्या कर रहा है प्रोलिन को कोड कर रहा है राइट अब यहाँ पर फिर क्या है जी ए यू है ठीक है इसके अपोजिट ये क्या हो गया सी यू ए हो गया ये आपका क्या है ठीक है यहाँ पे लगा हुआ है क्या क्या लगा हुआ है एस्पैरजीन लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है सर लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है प्रोलिन लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है मिथ्योन लगा हुआ है ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में यहीं पर हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे सेम प्रोसेस क्या होगा रिपीट करेगा ठीक है तो सेम प्रोसेस में क्या होगा तो इसको भी देख लेते हैं ठीक है अब ये क्या होगा तो इस ये पूरा का पूरा ये जो अमीनो एसिड का चेन है फिर इससे अटैच होगा ठीक है तो सी सी जी हो जाएगा जी जी सी हो जाएगा ये हो गया क्या ट्रांसफर आर्न यहाँ पर क्या लगा हुआ है प्रोलिन इसके बाद क्या है एसपैरिजिन ठीक है एसपैरिजिन इसके बाद क्या लगा हुआ है सरोनिन इसके बाद क्या लगा हुआ है फिर प्रोलिन इसके बाद क्या लगा हुआ है मिथ्योन इस तरह से ये क्या हो रहा है चेन इलोंगेट कर रहा है ठीक है अब इसके बाद ये वाला जो सेगमेंट है ये क्या होगा यहाँ पे शिफ्ट करेगा ठीक है जी ए यू रहेगा सी यू ए रहेगा ठीक है और उसके बाद ये ट्रांसफर आ रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट स्टेज में ये पूरा का पूरा क्या होगा फिर कॉम्प्लेक्स शिफ्ट कर जाएगा ठीक है तो कॉम्प्लेक्स शिफ्ट करेगा तो शिफ्ट करके कर भी इसको देख लेते हैं एक स्टेज और देख लेते हैं टेन स्टेज तक ठीक है ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये टेन स्टेज हो गया एलेवेन स्टेज पे हम लोग बात कर रहे हैं फिर एलेवेन स्टेज पे क्या हो गया भाई ठीक है तो यहाँ पर ई साइट पर क्या आ जाएगा जी ए यू आ जाएगा सी यू ए आ जाएगा ठीक है इसके बाद ये ट्रांसफर आरने हो गया ठीक है इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा सी सी जी आ जाएगा ठीक है जी जी सी आ जाएगा ठीक है ये हो गया इसके साथ क्या लगा हुआ है तो ये लगा हुआ है क्या क्या तो इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं ठीक है ये प्रोलिन लगा हुआ है इसके साथ क्या लगा हुआ है एसपैरेजीन लगा हुआ है इसके साथ क्या लगा हुआ है सरन लगा हुआ है इसके साथ क्या लगा हुआ है प्रोलिन लगा हुआ है ठीक है इसके साथ और क्या लगा हुआ है प्रोलिन के साथ मिथ्योन लगा हुआ है ठीक है ये हो गया आपका अब आप फिर से जो ए साइट है वो क्या होगा फिर वैकेंट होगा पी साइट ई साइट और फिर फर्दर ये क्या होगा यहाँ से ये मूव कर जाएगा ठीक है और फिर यहाँ पर आकर क्या लग जाएगा ये साइड पर अभी सी सी जी तक आए थे यू ए सी आ जाएगा ठीक है यू ए सी आ जाएगा ठीक है फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा फिर इसका जो जस्ट ये प्रोसेस क्या होगा रिपीट करता रहेगा ठीक है कब तक ठीक है तो कब तक ये रिपीट करेगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या ये दिख रहा है आपको क्या ये दिख रहा है स्टॉप कोडोन ठीक है क्या दिख रहा है स्टॉप कोडोन दिख रहा है ठीक है तो स्टॉप कोडोन से पहले तक का ये क्या होगा रिपीट करता रहेगा सी तक हो गया था यू ए आ जाएगा जी फिर उस पर भी बनेगा ठीक है जी के लिए क्या आया था <coughs> वो फिर लगेगा ठीक है इस तरह से ये चेन क्या होगा इलोंगेट कर जाएगा और इलोंगेट हो चुका है ठीक है इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं है यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मिथ्योन प्रोलिन सेरिन एस्पार्जिन प्रोलिन ये क्या हो चुका है एक चेन डेवलप हो चुका है किसका अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड ही तो बना रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में होता क्या है अमीनो एसिड का चेन होता है राइट ये बात हो गया क्या इलोंगेशन ठीक है ठीक है इलोंगेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ठीक है और यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख रहा है यू ए ए जो क्या है स्टॉप कोडोन है ठीक है तो स्टॉप कोडोन तक ये कंटिन्यूस ये कॉम्प्लेक्स यहाँ तक मूव करेगा और जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा तो वो वहाँ पर क्या होगा स्टॉप करेगा रुकेगा ठीक है तो रुकने के बाद क्या होना है टर्मिनेशन होना है ठीक है स्टॉप होने के बाद क्या होना है टर्मिनेशन होना है ठीक है तो टर्मिनेशन होने के लिए क्या होता है तो अब ये यहाँ पे हम लोग टर्मिनेशन के बारे में समझेंगे ठीक है तो इस इस कॉम्प्लेक्स को यहां पर से रिमूव कर रहे हैं ठीक है ठीक है तो ये अब क्या होगा तो टर्मिनेशन का प्रोसेस हम लोग समझेंगे ठीक है ये टर्मिनेशन कैसे होता है ठीक है तो नेक्स्ट स्टेज में क्या बात कर रहे हैं टर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं टर्मिनेशन ठीक है तो टर्मिनेशन के बारे में जब बात करते हैं तो ये चेन का इलॉन्गेशन हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है ठीक है ये क्या रहेगा लार्जर सब यूनिट रहेगा और ये क्या रहेगा स्मॉलर सब यूनिट रहेगा ठीक है Third, पूरा सेवेंटी एस कॉम्प्लेक्स है ठीक है अब यहाँ पर ये आ चुका है क्या आपका यू ए ए आ चुका है ठीक है तो यू ए ए जैसे ही आएगा सपोज यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं यू ए ए आ रहा है ठीक है तो यू ए ए आने के बाद अब क्या होगा ये इलॉन्गेशन स्टॉप कर जाएगा ठीक है तो स्टॉप करेगा तो क्यों स्टॉप करेगा भाई तो ये क्या है स्टॉप कोडोन है ठीक है स्टॉप कोडोन ऑन है ठीक है यह बात क्लियर हो गया अब इसके बाद क्या होना है टर्मिनेशन होना है ठीक है रिएक्शन का तो टर्मिनेशन होने के लिए अब क्या लगेगा यहां पर तो यहां पर लग जाएगा आपका क्या आर एफ वन प्लस आर एफ थ्री ठीक है या और आर एफ टू प्लस आर एफ थ्री ठीक है अब यहाँ पर मैंने और क्यों लिखा है ठीक है तो ये डिपेंड करेगा स्टॉप कोडोन के ऊपर कि कौन सा वाला स्टॉप कोडोन है ठीक है उसके साथ आर एफ वन प्लस आर एफ थ्री लगेगा या आर एफ टू या आर एफ थ्री लगेगा ठीक है ये बात क्लियर हो गया अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में अब जैसे ही ये रिलीजिंग फैक्टर ये है क्या आर एफ वन आर एफ टू ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको मैंशन कर देता हूँ रिलीजिंग फैक्टर ठीक है आर एफ ठीक है तो ये रिलीजिंग फैक्टर है ठीक है तो रिलीजिंग फैक्टर अब लग रहा है कब जब टर्मिनेशन होना है ठीक है तो जब टर्मिनेशन होना है रिलीजिंग फैक्टर लगा तो उसके बाद क्या होगा फिर यहाँ से जैसे ही लगा तो उसके बाद फर्दर क्या होता है यहाँ पर जीडीपी भी रिलीज होता है ठीक है क्या रिलीज होता है जीडीपी भी रिलीज होता है ठीक है तो जीडीपी रिलीज़ हो रहा है मीन्स यहाँ पर लगा था क्या लगा था जी लगा था ठीक है ये बात हो गया इसके बाद अब क्या होगा कि ये मैसेंजर आर् आपका सेपरेट हो गया ठीक है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ठीक है लार्जर सब यूनिट सेपरेट हो गया ठीक है स्मॉलर सब यूनिट सेपरेट हो गया ठीक है रिलीजिंग फैक्टर लगने के बाद ठीक है और क्या होना है ठीक है क्या मेन कंपोनेंट क्या है आपका ठीक है तो प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या हो रहा है सेपरेट हो रहा है ठीक है तो प्रोटीन कौन से फॉर्म में सेपरेट हो गया तो ये प्रोलिन ठीक है एसपैरेजीन ठीक है एसपैरेजीन ठीक है उसके बाद क्या है सरोलिन इसके बाद प्रोलिन इसके बाद, बाद मिथियोनिन ठीक है तो इस तरह का ये क्या हो गया प्रोटीन बन चुका है ठीक है ये प्रोटीन क्या हो गया सेपरेट हो गया राइबोजोम सेपरेट हो गया मैसेंजर आर सेपरेट हो गया और क्या है ट्रांसफर आर एन तो ट्रांसफर आर भी सेपरेट हो गया ठीक है ठीक है तो यह ट्रांसफर आर भी सेपरेट हो गया ठीक है तो यहां पर ये जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाकर रखा हुआ था अब वो क्या होगा रिलीजिंग फैक्टर लगने से और जीटीपी एनर्जी का भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा और जीडीपी के फॉर्म में क्या होगा रिलीज़ हो जाएगा ठीक है और उसके बाद ये सारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया सेपरेट हो गया ठीक है और आपका कंप्लीट क्या हो गया टर्मिनेशन ठीक है तो ये हम लोगों ने देखा क्या प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है अगर इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इस टॉपिक के अंदर इतना ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ ओके थैंक यू